दोस्तों नमस्कार। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो सीलिंग फ़ैन के ऊपर है। जो सीलिंग फ़ैन अगर आपका स्पीड नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ से है, आप बाइंडिंग भी बराबर कर रहे हैं, डाटा भी बराबर दे रहे हैं और टर्न भी बराबर दे रहे हैं, तार का जो गेज है वो भी आप बराबर दे रहे हैं, तो फिर पंखा स्पीड चल क्यों नहीं रहा है। चाहे जितना भी पावर का कैपेसिटर आप लगा दीजिए, वोल्टेज बराबर है तो भी आपका पंखा अगर स्पीड नहीं चल रहा है तो कारण कहाँ से, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा अपील है आपसे कि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम बताते हैं वो कारण क्या है जिस कारण से अगर आपका पंखा स्पीड नहीं दे रहा है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने पंखा कहीं बनवाया है या दुकानदार भाइयों आपके पास हमेशा ऐसा प्रॉब्लम आता होगा, अगर किसी न किसी कस्टमर का पंखा अगर आप बनाए हैं और उस कस्टमर के पास जो स्पीड प्रॉब्लम आ गया है, आपके पास वो बराबर दौड़ता होगा जो भाई मेरा पंखा स्पीड नहीं चल रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ से है आपको पता नहीं चल रहा होगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन हो रहे होइएगा कि हमने बाइंडिंग भी बराबर किया, तार भी बराबर डाला, टर्न भी बराबर डाला, फिर भी पंखा भाई स्पीड क्यों नहीं चल रहा है, हमारे बस की बात नहीं है। तो है आपकी बस की बात ही, तो आप मेरा ये वीडियो देखिए और ट्रिक जानिए जो कहाँ से प्रॉब्लम आया है, और इस ट्रिक के माध्यम से आप कस्टमर का पंखा कंप्लीटेड कर दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम जान लीजिए पहले कि प्रॉब्लम आया कहाँ से। तो दोस्तों जैसा कि मेरे हाथ में आप दो तीन स्टेटर देख रहे हैं, इस स्टेटर में जो देख रहे हैं कि मैंने नंबर डाला है, इसमें चार तीन डाला हुआ है, इसमें एक डाला हुआ है, तो हम इसी प्रकार से नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4। आज तक मेरे पास किसी भी तरह का कोई स्पीड प्रॉब्लम का कंप्लेन नहीं आया है। तो दोस्तों आया क्यों नहीं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके पास भी ना आए, क्योंकि कोई दुकानदार नहीं चाहता कि कस्टमर मेरे पास बार बार आए। दोस्तों आप जब पंखा बाइंडिंग करते हैं तो ये स्टार्टर दूसरे पंखा में इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए, दूसरे बॉडी में इंस्टॉल नहीं होनी चाहिए। याद रहे सिर्फ सीलिंग फ़ैन के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये स्टेटर और रिंग, ये रिंग की जो दूरी है, ये बीच वाली गैप, इससे ही स्पीड बनता है कम या ज़्यादा। क्योंकि आप जब इसमें क्वाइल इंस्टॉल करते हैं, वायर जब इंस्टॉल करते हैं, तो जब इसमें करंट देते हैं आप 220 वोल्ट कैपेसिटर के साथ में, तो ये मैग्नेट बनाती है। जब आप टेस्टर या पेचकस देखोगे साइड में सटा करके तो खींचेगा अपनी तरफ, ये मैग्नेट बनाती है। जब ये मैग्नेट में कितना ताकत होता है वो तो आप लोगों को भली भांति पता होगा। जब इसकी दूरी जब ज़्यादा हो जाएगा, गैप ये वाला जब ज़्यादा हो जाएगा, तो ये मैग्नेट में कितना दम होगा जो इसको रोटेट कर पाएगा, नचा पाएगा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके लिए क्या होता है दोस्तों कि जो भी कंपनी बनाती है अपने तरीक़ा से बनाती है, कोई सा भी पंखा अपने हिसाब से बनाती है कि कितना RPM मुझे कस्टमर को देना है, तो जिस पंखे से जो स्टार्टर निकाले वही स्टार्टर उस पंखे के अंदर इंस्टॉल करे। स्टार्टर आपको चेंज नहीं करना है। स्टार्टर अगर आपने चेंज भी कर दिया तो दोस्तों क्या होता है कि इस पंखे का स्टार्टर अगर हम दूसरे पंखे में डाल दिए तो ये अगर मैच कर गया, दूरी अगर मैच कर गया, तब तो वो पंखा स्पीड देगा थोड़ा कम या ज़्यादा। अगर ये दूरी ज़्यादा है या स्टेटर मैच नहीं किया, तब तो आप चाहे जितना भी जोर लगा लो लेकिन वो पंखा स्पीड नहीं देगा। यकीन नहीं तो एक बार ट्राई करके देख लो दोस्तों, यकीन नहीं आपको तो एक बार ट्राई करके देख लो, फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आना और एक कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तब तो हम जानेंगे कि अगर हमने जो तरीका बताया वो तरीका दोस्तों को सही लगा या नहीं लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं हमेशा आपके लिए इसी तरह से यूजफुल ट्रिक लाता रहूं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।